मोबाइल जो है ये बहुत खराब कर रहे हैं। एक उम्र ऐसी आती है बच्चों की, कोई बैठते ही इन बच्चों को किसी के है तो मोबाइल ले लो, क्या टाइम का काम जुड़ रहा है भाई मोबाइल क्यों दे बिजी लड़की, लड़की का कौन सा काम जुड़ रहा है मोबाइल ये बिजी, जब हमारी माँ थी बहने थी हमारी मिसेज थी जब तो मोबाइल लेते थे कहीं कहीं मर तो गई, बिल्कुल नहीं मर गई। इनफैक्ट लड़कियों के पास तो मोबाइल फोन होना ही नहीं चाहिए ताकि उनके साथ कोई बदतमीजी करे तो वो किसी को फ़ोन करके बुला ना ले मदद के लिए। और दूसरी बात, लड़कियों को जब किसी से बात करनी है वो अपने दिमाग में सोचें और ध्यान करें भगवान का, एकदम टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होती है। मोबाइल फ़ोन तो आप टीनेज लड़कों को दीजिए ना जो रेप करते हैं और लाइव स्ट्रीम कर सके या उसका व्हाट्सएप पे वीडियो बना के फॉरवर्ड कर सके, है ना, तभी तो मोबाइल फ़ोन का सदुपयोग होगा। इनफैक्ट पार्लियामेंट में जो अधेड़ रूम के हमारे पार्लियामेंटेरियंस मोबाइल फ़ोन पे पॉर्न देख रहे थे, दे वर शोइंग अस हाउ टू यूज़ अ मोबाइल फ़ोन द करेक्ट वे, सो आई सेकंड यू। चाउमीन खाने से रेप होता है, जैसे हम फास्ट फूड खाते हैं शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है, गर्मी बढ़ने के कारण जो हारमोन्स लेट अवस्था में शुरू होने चाहिए वो जल्दी अवस्था में शुरू हो जाते हैं, यही कारण है कि आज शरीर का असंतुलित विकास हो गया है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे एंशिएंट इंडिया में इंटरनेट था वो भी ब्रॉडबैंड नहीं वाईफाई, क्योंकि हमें तारे नहीं मिली, और जैसे कि जो पीकॉक होता है यानी कि मोर, वो मोरनी को प्रेग्नेंट करने के लिए उसे अपने आंसू पिलाता है, वैसे ही जंक फूड खाने से जो कामुक इच्छाएं हैं वो ज़्यादा उत्पन्न होती हैं शरीर में। मंत्री जी कुछ गलत थोड़ी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों ने अपनी छोटी छोटी बच्चियों की शादियां इसलिए तय कर ली थी ताकि कोई जालिम हमारे घर से बच्ची को उठा करके ना ले जाए, उसके दृष्टिगत अपनी इज्जत बचाने के लिए खाप ने अगर ये निर्णय लिया है तो मैं समझता हूँ ये अच्छा निर्णय है। अरे भाई बहुत सिंपल तरीका है जो नेताजी कह रहे हैं, इनकी बात जरा ध्यान से सुनिए। ये कह रहे हैं कि मर्डर को मर्डर करने दो, रेपिस्ट को रेप करने दो। अरे भाई बेसिकली इनका सिंपल सोल्यूशन है, क्रिमिनल को क्राइम करने दो ना भाई। दूसरी बात यह है कि 16 साल की उम्र से पहले होना चाहिए, क्योंकि नेताजी का यह कहना है कि भाई साहब इनकी पार्टी के स्टूडेंट लीडर आप बनेंगे कैसे जब तक क्राइम करेंगे नहीं, तो करो ना यार। इंडिया में चल रहा है बढ़ रहा है बहुत खतरनाक और बहुत अश्लील है, लेकिन ये भारत में नहीं, ये इंडिया में, जिसने भारत से नाता तोड़ा उसका ये होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले के ज़माने में तो ये कभी होता ही नहीं था, ना द्रौपदी का चीरहरण हुआ, ना सीता मैया को किसी ने किडनैप किया। और दूसरी बात, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये बात कही, क्योंकि हम कितने सालों से अपने पड़ोसी देश से लड़ रहे हैं ना जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पे, तो आपने तो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो इंडिया का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है ही नहीं। पर मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ, क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, पर आज मैं समझ नहीं पा रही कि मैं इंडिया में रहती हूँ या भारत में। प्लीज़ मुझे नया एक मैप भेजेंगे हमारे देश का ताकि मैं समझ पाऊँ। कोई हमसे कह के तो नहीं जा रहा कि हम बलात्कार करने जा रहे हैं, अब कौन बलात्कार करने जा रहा है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं, वो तो एकांत में होता है। ये एक सामाजिक बुराई है जो व्यक्ति महिला और पुरुष के ऊपर निर्भर रहता है, कभी सही भी है कभी गलत भी है। कितने ग्रेट नेता हैं ये यार, इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एक्चुअली, ये बहुत ऊंचा सोचते हैं, रीड बिटवीन द लाइंस। ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल पहले बता दे क्राइम कहां होने वाला है, बलात्कारी पहले बता दे बलात्कार कहां करने वाला है, वो उससे क्या होगा, नेताजी मिस्टर इंडिया की तरह वहां पहुंच जाएंगे। मगर एक बात है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं नेताजी किसी को कुछ नहीं बताएंगे, चुपचाप ऐसे ही बैठे रहेंगे। अगर आप कहीं पे पेट्रोल होगा, आग करीब आएगी तो आग बहुत जल्दी लगेगी, पेट्रोल से आग को दूर रखना बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे कि पेट्रोल जलो ही मत, तुम मैं आग रखता हूँ लेकिन पेट्रोल जले नहीं। कहीं पे शक्कर गिरी होगी तो चींटी अपने आप आएगी, उसको आमंत्रण भेजना नहीं पड़ता है। सर आपके लिए तो खास तालियां होनी चाहिए, आपने तो दो बार हमें ज्ञान बांटा है। थैंक यू फॉर कंपेयरिंग गर्ल्स टू चीनी। मुझे पता है हम लोग बहुत स्वीट हैं, पता नहीं क्यों हम एम्बिशियस हो जाते हैं। हमें तो बस घर में रहना चाहिए, घर से बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है, वो भी बिना रिलेटिव के। वो तो छोड़िए, अलग बात है कि 6 महीने की बच्ची अपने माँ बाप के साथ सो रही है और रिलेटिव ने ही उसे रेप और मर्डर कर दिया। कभी कभी हो जाता है ना, इट्स नॉट अ बिग डील। इनके कहने का मतलब ये है
कि ये उस 6 महीने की बच्ची के डायपर की गलती है। इनका बस चले तो लड़कियों को तो पैदा ही नहीं होना चाहिए, क्या जरूरत है उनकी, ये माँ के बिना पैदा हो सकते हैं। The joke is on us. These are people whose salaries are paid out of the taxes we pay. Do we deserve this quality of leadership who makes such insensitive, unscientific and completely nonsensical statements every time there is a gender crime in the country? We are paying for their salaries. How does that make you feel?